दस्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज, फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा कैसे, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। अम्मा जी जैसे अजीम हस्ती को उनके खून मेरी अपनी अम्मा जी का खून है। हौसला करो ना बिना, हमें कोई शौक नहीं है कबूतरबाजी का। हम तो सिर्फ एक बात जाने हैं कि कबूतरबाजी का शौक जो हुए है ना, वो सिर्फ नाकारा और आवारा किस्म के लोगों को हुए है। अम्मा जी, नवाब अली भी आपके साथ गए थे, वो नहीं आए? ये बात भी इसी से पूछ लो, पता भाई। साथ ही आए हमारे, ऊपर चले गए कबूतरों को दाना डालने। मैंने नाजमा भाभी के वो कहने में आगे उसके साथ मिलके चोरी की है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ रजिया बेगम कि अब हमारा बोरिया बिस्तर बाहर गली में होगा। अरे शोको चंचल मौसी की सिर्फ हमें नहीं, आपकी अम्मी जान को भी पसंद है और इनको तो क्या हमारे कबूतरों को भी बहुत पसंद है। आजो आजो, बैठो यार, बैठो 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 यार। अच्छा तो तुम चारों की टिकटों का बंदोबस्त भी हो गया? जी जी आपा जी, बस हमें फिक्र है क्या क्या अम्मा जी इजाजत दे देंगी हमें। बात तो बरखुदा, ये जो तुम्हारी अम्मा जी ये कर रही है खामखा जिद, और उनका कसूर नहीं है, वो तो पैदा ही जिद करने के लिए हो। लेकिन तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, अपनी तैयारी पकड़ो, हम संभाल लेंगे। अब बजे लेकिन कह रहे हैं ना संभाल लेंगे, तो मतलब संभाल लेंगे। आओ चले, हम भी चले, आ जाओ। तुम वो करो उसका फायदा, जब इतनी सारी टिकटें इंग्लिस्तान की करवा बैठे, हमसे पूछे बगैर थप्पड़ मार के तेरे दांत बाहर निकाल देंगे। अब हम तुमको उनका फायदा। हेलो, बात सुनो हमारी जरा गौर से। लौंडे इंग्लिस्तान चले जावे हैं, अपनी जिंदगी बनावे हैं, पैसा बनावे हैं, तो तुम हार क्या जाता? कोई हरज नहीं हसनैन, कोई हरज ना, तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। अरे कुकु समझाओ, पत्ते जब दरख्त झड़ जाए तो दरख्त के पास कुछ ना बचे, कुछ ना बचे, जड़ा तक खोखली हो जाए, हाल रिश्तों का भी। रिश्ते जब टूट के बिखर जावे तो कुछ ना रहे, खानदान के खानदान तबा बर्बाद हो जावे। पत्थर समझ में कुछ ना आवे, थारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए। हम बताए दे रहे हैं हसनैन, एक दिन तू पछताएगा।
पछताएगा, हम बता दे रहे। पर उस वक्त तेरे पल्ले कुछ ना पड़े। अजी छोड़ ना, हम तो बस तुम सबको पालन पोषण के लिए थे। फिर तुम बड़े हो गए, बल्कि बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े के अपने फैसले भी खुद कर करो भाई, करो अपने फैसले, पर दफे हो जाओ, दफे हो जाओ, कोई अपनी शक्ल ना दिखावे। हम कह में दफे हो जाओ यहां से, सबको कह में ये सकीला, अपने कसम को कह, आज हम सलीम का रिश्ता देखने जाने, मर्जी हो तो चले, मर्जी हो तो ना जावे। ये का तरीका बुलाने का, चलना तो चले। अरे हमरी भी कोई इज्जत है, बाप है हम लौंडों के, इज्जत से बुलाओ, इज्जत से। वो इज्जत की खातिर कहवे कि बाप जावे तो कहीं रिश्ता ना होवे। बात सुनो, हम भी कह ही दे रहे हैं तुम्हें, हजार बार पहले भी कह चुके हैं, उस सास की बख्शिश ना होवे जो दामाद की यहाँ से दिल से इज्जत ना करे, बता रहे हैं। चल आज हम भी फिर झोली उठा कर तुझे बद्दुआ दे। जा, ये जो फरंगियों वाली दाढ़ी रख के बैठे ना, चुग्गी दाढ़ी, खुद तो फरंगी हो गया, बच्चों को भी इंग्लिस्तान भेजे, तेरी बख्शिश कभी ना हो। बस जा, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अच्छी ना लगे, बताओ। आदाब अम्मा जी, आदाब। अब आए भैया, बंद कर। इस कदर ऊंचा बोले हो तुम तो, हम बहरे ना। लगता है अम्मा जी को भी हमारी तरह मौसीकी से काफी लगाव है। जी अब्बा हजूर, लेकिन आपकी पसंद में और अम्मा जी के पसंद में बहुत फर्क है। फर्क कैसा फर? अरे अब्बा हुजूर, आपको तो शौक और चंचल मौसीकी पसंद है और अम्मा जी को और तरह की मौसीकी पसंद है। अरे शौक और चंचल मौसीकी सिर्फ हमें नहीं, आपकी अम्मी जान को भी पसंद है, और इनको तो क्या, हमारे कबूतरों को भी बहुत पसंद है। जब वो दूर जहाँ के फड़कते हुए गाने सुनते हैं तो ऐसे ऐसे करके उठते हैं। अरे हम हैं नवाब। अरे हफीज साहब आप इधर हैं? यो बताओ हमें नवाब, इस शिकल दोपहर को छत पे क्या करे? कबूतरों को दाना। कौन कबूतर है तारे पास? दो जोड़ी केरियों की है और चार चौंसरे हैं। चौंसरों का तो मत पूछिए हकीम साहब, जब वो उड़ते हैं ना तो बादलों को चीरते हुए गुजर जाते हैं। और दो जोड़ी हमारे पास लकी कबूतरों की है, जिनको किसी शर्त पर भी नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि उनकी तबीयत भी हमारे जैसी है, नवाबों वाली। बात सुन, चीरने से पहले हमारे को ये बताओ कि कभी तैं कोई शर्त भी जीती है कि नहीं? ये पूछो कभी हम शर्त कोई हारे भी हैं कि नहीं? जब हमारे चौंसरे उड़ते हैं ना हवाओं में, मेहदी हसन और मलका तरन्नम जुहां के सुरीले गानों पे, तो वह कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखते भाई। ये बताओ लाहौर में कबूतरबाज हैं जो शर्त भी लगाते हो, पैसे बनाए? हेलो, यो का बात की तने? अरे लाहौर में तो एक से एक बढ़ के कबूतरबाज हो गए हैं, बल्कि कई कबूतरबाज तो अपने कबूतरों के वास्ते हमसे माजून लेके भी जा रहे हैं। तो क्या कबूतर है ना कमजोरियों का भी इलाज करते हैं? हम तो बड़े पहुंचे हुए हकीम हैं, हम कबूतरों को ऐसा माजून देवे हैं कि कबूतरों का पीता जो होवे ना पीता, जिसके कबूतर उड़े हैं वो ताकत पकड़े हैं। साहब कुछ माजून हमारे कबूतरों के लिए भी दीजिए,
और मैं अगर कुछ कमजोर कमजोर से महसूस कर रहे हैं। सिर्फ कबूतर ये क्या बात की, ये तो घर की बात है, हम अभी गए और अभी आए। एक बात हमारी सुन लो नवा, कबूतरों को निहार करने से, अपना नाश्ता करने से पहले ये माजून खिलाना है, फिर देखो तुम्हारे कबूतर कैसे उड़े हैं। अरे ऐसे ही उड़ेंगे। अरे बावले नवाब, ऐसे ऐसे बगले उड़े हैं कबूतर, तो ऐसे 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 उड़े, हम अभी आए ऐसे 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 करके उड़ेंगे। अरे खाएंगे मजूने और लाहौर में ऐसे 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 करके उड़ेंगे। आज लेकिन तेरा नाच गाना पूरा ना हुआ। क्यों? पानदान की सारी चीजें जो पूरी है। क्या हो गया अम्मा जी, सब कुछ तो है। अरे बहरी वो तो हम कहें सब कुछ पूरा है यार। देखा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम सेरा, कब आए तुम जमीना से? आज ही आया हूँ जमीना से। बैठो, क्या हाल जमीना? ठीक ठाक है जमीने तो, पर हमारे मजारे बेईमान हो गए। वो कैसे? के बेईमानी करी? उन्होंने हमारी जमीनों के जाली कागज बनवा लिए। हमारी जमीन जाली कागजात? जी अम्मा जी। वो हरकत इनको बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगी पड़ी। तेरा तेरा तुम हमारा फौरन जमीना पे जाने का इंतजाम करो, हम भी तो देखें जरा उनकी बदमाशी। जो हुक्म अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, ये क्या हो गया? तेरी बकवास बंद कर। अरे कैसे वो कलकारियां मारी थी, ऐसे ऐसे हमारी कबूतरियां उड़ी थी, ऐसे 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 फड़फड़ा रहे थे। बात सुनो, ये कहां से आ रहे हो ऊपर से? अरे इन बेचारे ने ऊपर क्या करना है, जाके हम इनको ले गए थे अपने कबूतरों से मिलवाने। आप भी तो कभी आइए ना हमारे दोस्तों से मिलने, मजा आ जाएगा। ना बिना हमें कोई शौक नहीं है कबूतरबाजी का, हम तो सिर्फ एक बात जाने हैं कि कबूतरबाजी का शौक जो होवे है ना, वो सिर्फ नाकारा और आवारा किस्म के लोगों को होवे है। अरे हकीम साहब, आपकी लुगत तो बहुत ही कमजोर है। अरे कबूतरबाजी तो नवाबों का शौक है, नवाबों का। हाँ तो नवाब करे ना। अरे क्या तो हम आपको नवाब नहीं लगते? अरे कबूतरबाजी तो है ही नवाबों का शौक, नाम भी नवाब है, काम भी नवाबों वाले है। तो हम क्या बाहर रेड़ी लगाते हैं? और वैसे भाई, जिसको कबूतरों से प्यार नहीं वो तो इंसान ही नहीं। ना क्या मतलब है तारा? तारा मतलब है कि हम इंसान न होवे?
अरे आप तो हकीम साहब हर बात को जातियात पर ले आते हैं। अरे भाई हमारे कहने का मतलब ये है, जिसने खुदा की खल्क की हुई मखलूक से प्यार नहीं किया वो भला कोई इंसान है? इंसान को खुदा की खल्क की हुई हर मखलूक से प्यार करना चाहिए। हर मखलूक से थारा मतलब है कि हम हसनैन अम्मा जी से भी मोहब्बत कर ले? तो क्या बुराई है उसमें? ना बाबा ना, ये मुश्किल काम हमसे ना होवे ना। ठीक है हम कर लेंगे। तो कर लो, आगे से अंगारे ना मिले तो हमें कहना। पानी डाल देंगे, पानी। देखा ये वक्त भी आएगा हम पे कि तुम्हारे खालू हमें समझाएंगे हकीम हसनैन को। एक नंबर का आवारा और नाकारा इंसान, कबूतरबाजी का सांप। जाओ ना, कोई काम काज नहीं है। इसको रख छड़ी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई? नहीं। सब खैरियत से हो गया? कोई मसला तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जी मैं बताऊं उधर क्या हुआ है? चल इससे सुन लो सारी बात। आपा जी अम्मा जी ऐसे ही वहाँ गई और जो लोग वहाँ बैठे थे ना सब अम्मा जी के पाँव पड़ गए और माफी मांगना शुरू हो गए। आपको पता है फिर हमारी अम्मा जी का दिल कितना बड़ा है, अम्मा जी ने सबको माफ कर दिया। ऐमी ते लोग अम्मा जी को अम्मा जी नहीं कहते ना, हमारी अम्मा जी है ही बहुत चंगी। चल तेरी खुशामत खत्म हो गई हो तो हम बात कर ले। जाके पानी लेके आ। अम्मा जी नवाब अली भी आपके साथ गए थे वो नहीं आए? ये बात भी इसी से पूछ लो। पता भाई साथ ही आए हमारे, ऊपर चले गए कबूतरों को दाना डालने। ये अब अखबार हो गई हमरे घर की, बस बन तो ना रही बन तो अखबार। जा के पानी लेके आ। मैं अभी लेकर आती। ये जबान लग गई इसके मुंह को, इस कदर की जबान लग गई कि दांतों से भी ना रुके अब। खैर हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कमबख्त मारी, ऐसा इबादत में खलल डाले, ऐसा इबादत में खलल डाले, ना देखे दिन ना देखे रात, बस रेडवा लगाने की पड़ गई। रेडवा जी अम्मा जी वो ना मैडम नूरजहान के गाने लगने वाले थे। छत पे जाके नाच पर जा। पागल लोगों से पाला। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी फिर क्या बात हुई मजारों से? नियत खराब हो गयो लेकिन हमने भी खूब इंतजाम किए, इतनी आसानी से जमीने हथियाने नहीं देंगे। चल इसके हम किसी दिन दांत तोड़। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अम्मा जी के पास चली जाओ। किस मुंह से और इस मान से, वो मान जो मैं अपनी अम्मा जी का तोड़ आई हूं, क्या लगता है कि अम्मा जी मुझे माफ कर देंगे?
किसने? क्योंकि मेरी अम्मा जी के असूल बहुत पक्के हैं। असूलों के सख्त लोग ही दिल के बहुत नरम होते हैं। तुम एक बार जाकर तो देखो, मुझे यकीन है कि अम्मा जी तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। रोने के लिए भी किसी कांधे की जरूरत होती है, और वो कांधा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मा जी का। एक बार चली जाओ अपनी अम्मा जी के पास, मुझे यकीन है वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगी, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेंगी, वो तुम्हें माफ कर देंगी। के महूसत फैला रहे हैं के हो गयो, क्यों रो रहा है, क्यों बर्बाद हो रहा है? हमारे सब के सब साथी हमें छोड़ गए अम्मा जान। सब के सब साथी छोड़ गए, इसका क्या मतलब खालू जान? जान पे सोचने खालू को छोड़ दे। देख जरा अल्लाह, सबके सभी अब्बा जान। के हो गयो को बिल्ली वगैरह पड़ गई के? अरे अब्बा जान, बिल्ली नहीं बिल्ला, वो हसनैन की हिकमत की मौत का सबब बन गई। अरे मगर हसनैन की हिकमत का आपके कबूतरों से क्या ताल्लुक? अरे वो जाली अकीब बोलता है कि अपने कबूतरों को मौजूद खिला, उनको खिलाने से उनकी ताकत बढ़ती है, वो ज्यादा उड़ते हैं। हमने कबूतरों को मौजूद खिलाई और वो आगे ऊपर। हम मना किए, हम सबको हमेशा मना किए कि हसनैन की बात में कोई ना आवे, लेकिन नहीं, चलो भुक दो अब। हमने तो जवाब नहीं गाई, बस गलती हो गई कबूतरों को खिलाने की। गलती हो गई कबूतरों को खिलाने की। हम कहें तुम छोड़ दे ये कबूतरबाजी, छोड़ दे, बच्चे बड़े हो रहे, उनकी शादी की फिक्र कर, कबूतर उड़ाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। अरे वाह अम्मा, क्या अच्छी बात की आपने भाईजान। अब आप भी ये कबूतरबाजी छोड़ कर ना कोई काम कीजिए, ये कबूतरबाजी तो अब आवारा और लफंगे लोगों के शौक है। ठीक कहा ना अम्मा मैंने? ए नहुसत ना फैला, गला से दबा जाके सबकी, फेंक, नहुसत फैल रही घर में, बाबला हो गयो। अरे जा, तौबा 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 तौबा। अरे एक नहुसत हमरे घर में का कम है जो तू दफा हो, दफे हो यहाँ से, हम कह रहे थे इसको उठा, अपने उठा यहाँ से लेके जा, कबूतरों के साथ ही कहीं छोड़ के आ जा। ऐसे रोज जैसे कोई इंसान मर गयो। बाप लोग की कमी थी, एक और आ गई। अरे को क्या आवाज बंद कर,
आशिया जी, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी। यही ना कि वो जो अम्मा जी आई थी सारा को देखने के लिए, मुझे उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे खामखा सायरा के साथ साथ तुमने अपने आप को भी जलील करवाया उनसे। किसी की जरूरत है जो मुझे जलील करे? खुदा के वास्ते अपना रवैया बदलने की कोशिश करो। तुम्हारा रवैया मेरे बच्चों के साथ ठीक नहीं है। तो क्या आपके बच्चे मेरे बारे में आला जर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं? अरे क्या कह दिया उन्होंने? तो क्या कहती हूं मैं उन्हें? मुझे इतना मजबूर मत करो कि तेरी और मेरी राय जुदा हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा जी, आपकी जमीन आपका हक है, हम उनके फलक से भी निकलवा लेंगे। हम अपनी जमीन की सारी तफसील आपको बता दी, फिर भी हमारी जरूरत कहीं भी पड़े हम हाजिर, जो खर्चा वगैरह आए आप तेरा को बता दी। आप मुझे इजाजत दीजिए। जय सर। वकील साहब को छोड़ के जो बेहतर है मां जी। आइए वकील साहब। तू के हमारे सर पे बरकत खड़ी रहे ना, हम क्या है परेशान, तेरा दिल खराब होवे एक हसनैन का दिल खराब। जा दफा। ए हसनैन, आज हम थारे से गुस्सा किए बगैर एक बात पूछ। के? थारे को के तकलीफ अगर नवाब अबली अपने सामान के साथ आ के तेरे सर पे बैठे? तकलीफ ना होवे अम्मा, थारा एहसास होवे। किस किस का बोझ उठा हुए हो तुम? हम सब जाने जितना एहसास थारे को हमारा। अरे हम कौन हो गए बोझ उठाने वाले? बोझ उठाने की जात तो सिर्फ अल्लाह की। देख, इंसान का बस चले ना, देख हमारी तरफ, इंसान का बस चले तो मुँह से निबाला भी छीन ले अगले के, रोटी कौन खिलाए? ई तो उस रब ताला की जाती है जो पत्थर माँ भी कीड़े को रिजक देवे। बेशक अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन 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 तो हम भी तार से कहना चाहते हैं। साजदार से इकले में पूछ के बजा बनी अपना शहर छोड़ के हमारे शहर आने की। इलो साजदार से पूछने की क्या जरूरत है? वजह हम बताते भाई, उसका खावन एक नंबर का नाकारा निखट्टू हट हराम कबूतर बात सारी जिंदगी को काम काज किया नहीं, अब अखराजात बढ़ गए, उठा लाया अम्मा के बस पाल बच्चे। सिर्फ नाम तब्दील कर दियो, सारी खसूसियात अपनी बताई, वो कबूतर बाज तुम माजून बाज के फर्क। ए सकीला, पूछ अपने खसम से एक चाबे
नवाब अली को हम धक्के दे के बाहर निकाल देवे घर से। ये लो, इल्जाम दे रही अम्मा, हमने ऐसा कब कहा? इल्जाम न देवे हम, तारी शकल से तारी बात से सब जाहिर। अरे अम्मा, आप लोगों ने फिर लड़ाई शुरू कर दी। अरे हम कहाँ लड़े, पूछ अपने कसम, आ बैल मुझे मार। लो, के जरूरत अपने आप को बैल कहने की। किस कदर का बदतमीज बदतर अजीब दामाद, बेशरम बेहया बदमाश। बदमाश के साथ वो जो तुम्हारी भाभी है ना, वो ऐसा बोल कबख्त, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो नाज़मे है ना भाई, वो तो दिल की बहुत हल्की निकली है। उसने सारा कच्चा चट्ठा अपने खामंद रिजवान को एक एक बात बता दी। सुनो, अगर रिजवान भाई को शक हुआ ना, हम मुकर जाएंगे, हम सारा मुद्दा ना नाज़मा भाभी पे डाल देंगे। हाँ वाह, क्या बात है, कैसा ज़हन है तुम्हारे, दाद देनी चाहिए तुम्हारे। मेरा ज़हन है तो तुम मेरे जफर भाई, आपसे एक बात करनी है। भाई एक क्यों भाई, सौ बातें करो, हम तो आपकी बातें सुनने के लिए पहले ही से जहन बनाए बैठे हैं। वो जो आपका मकान था, आपकी अपा वाला। हाँ हाँ भाई, वो किराए पर दिया हुआ है, कुछ किराया आ जाता है और कुछ पेंशन के पैसे। अगर आप उस घर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप रजिया को लेकर अपने घर चले जाएं। क्या मतलब भाई, आप हमें इस घर से निकालना चाहते हैं? मेरा मतलब ये नहीं आता। बात क्या है भाई साहब, बात ये है कि कब तक आप इस घर में रहें? एक ना एक दिन तो आपने जाना ही। मैं चाहता हूं कि आप अभी चले जाए। देखें जफर भाई, मेरी नौकरी खतरे में, मुल्की हालात मार्शल्ला की वजह से खराब है, मैं कब तक आप दोनों का खर्चा बर्दाश्त? बेहतर यही होगा कि आप अपना और अपनी बीवी का खर्च खुद बर्दाश्त। रिजवान भाई, अरे देखा, आपा क्या मरी है, भाई के तेवर ही बदल गए, हमें घर से निकाल रहे हैं। नाज़मा भाभी, देखा आपने, बोझ बना दिया, देख लो मेरे भाई ने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ है, वो सुना नहीं? मकान किराया है, पेंशन के पैसे, और बोझ खुद उठा लो, हमें कुछ सोचना होगा। तुम्हारा सर फाड़ना है मैंने, हाय आपा, तू मर गई, हमें भी मार दिया। इबके फायदा, जब तुम परदेश जाने का सामान कर बैठे, इब हम के पास आके पूछने का फायदा, हम तुमका नखून पिला के पाल। और तुम मुंह का पानी किए थे, हमारी तरफ से तुम कल जाते आज जाओ। हम अब किसी को ना रोके, जी लांगे हम इकले,
जो दो चार दिन हमरे रह गए हम जी लांगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों बहन भाई वहां कॉलेज में दाखिला ले लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमरी तरफ से बिल्कुल इजाजत, हमरी तो दुनिया उजाड़ दे, वो सब तो इंग्लिस्तान जा बस। अब तुम भी हमारा दम निकाल दे। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा अम्मा जी। उनकी वजह से अम्मा जी भी अक्सर परेशान रहती हैं। सुना है वो बाहर शादी ब्याह कर रहे हैं। वैसे पहलवान, सुना मैंने भी यही है। तो फिर ये बात तो सच हो गई ना। जय न।